नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके अपने चैनल ओनर्स लाइफ केयर में। दोस्त, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं और एप्लीकेशन लिखे तो कैसे लिखे कि प्रभावी हो। देखिए, कॉलेज का है ये प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल सर लिखे हैं, एक कॉलेज का है जिसमें नाम सुधार के लिए लिखा गया है। मैं एक एक पॉइंट पर आपको लिए चलता हूँ। देखिए, ये रहा क्या, सबसे पहले कि सेवा में लिखते हैं। एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या कि ये जो लिख रहे हैं सेवा में और महोदय, ये सब कुछ एक इक्वल में होना चाहिए। क्या इक्वल में, जैसे एक सादा पेज हो गया तो उस पर क्या करिएगा, ये इक्वल में लिखिएगा। ये वाला और ये वाला एकदम सामने हो, उसके बाद ये वाला ऐसे हो और इसके ही एकदम तुम जैसे कि एक इंची से खींच लीजिएगा, हल्के रूल पेंसिल से इस तरह करके खींच लीजिएगा। और यहाँ तक जो भी एप्लीकेशन आप पूरी की पूरी लिखें तो उसमें थोड़ा भी क्या ना हो, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे ना, थोड़ा भी इस वर्ड से इधर नहीं आना चाहिए ये सभी वर्ड। ओके, ठीक। सबसे पहले सेवा में लिखते हैं सविनय। सविनय यहाँ सचिव लिखा है, सॉरी सचिव लिखा है सेवा में। यहाँ पर जो भी प्रबंधक होते हैं, जैसे कहीं के भी प्रबंधक, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक। और उसके बाद जाकर अपना विषय लिखते हैं, विषय यहाँ पर लिखते हैं, वो भी ध्यान रहे, यहाँ से बीच में रखकर विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे हम लोग, विषय में ये लिखेंगे कि जो भी गलती हुई, जैसे एटीएम कार्ड में खुरच गया है, मतलब एटीएम कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ब्लैक वाला भी पीछे वाला होता है वो थोड़ा कट जाता है, तो जिसके कारण वो एटीएम लोड नहीं करता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है तो वहाँ पर विषय वो वाला लिखा जाता है। ओके, यहाँ से विषय लिखा जाता है। यहाँ पर एक और छूट हुई है, अगर आप दिनांक लिखना चाहें तो यहाँ पर दिनांक भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे। यहाँ से मतलब ये लिख दिए तो यहाँ कामा, उसके बाद इस लाइन में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट इसके इस साइड में लिखना है प्रबंधक को बदलने का नाम। उसके बाद विषय लिखना है, वो भी इसके सामने आधे पर, मतलब बीच एकदम अरी, मतलब इस साइड, इस बगल साइड में नहीं, इसके बीचों बीच विषय लिखिएगा। एक लाइन छोड़कर, इससे एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद लिखिएगा दिनांक, फिर दिनांक को एक लाइन छोड़कर उसके बाद आप लिखिएगा महोदय, फिर इस लाइन में कुछ मत लीजिएगा, कामा लिखिएगा और डायरेक्ट इसके सामने पर लिखिएगा महोदय लिखकर। उसके बाद सविनय निवेदन है, सविनय छूट गया यहाँ पर, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, अपना नाम फलान ठेकान लिखिएगा, और सॉरी फलान ठेकान मैंने बोल दिया, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, ये मेरी ये गलती हुई है, डायरेक्ट जो भी गलती हो या जो भी चीज़ आप पदाधिकारी प्राप्त करना चाहते हो, डायरेक्ट लिखिएगा कि मैं ये पदाधिकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहे मुझे ये बीमारी है, ये सब कुछ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा, ध्यान रहे ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं, छोटे में ही लिख दीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो ये एक बार में बस लिखिए, सन ऑफ ये, और उसके बाद मैं ये किया हूँ और मेरे मुझे ये ऐसी बीमारी हो गई है। तो उसके बाद नीचे लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे इसको, इस संकट को दूर करने का उपाय कीजिए, चाहे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्रार्थी लिखा जाता है, प्रार्थी लिखकर उसके बाद जाकर जो भी लिखना वो लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर नामकरण सुधार के लिए है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अशुद्ध नेम और यहाँ पर शुद्ध नेम, यहाँ पर शुद्ध नेम, यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर प्रार्थी का शुद्ध नाम होता है, उसके बाद शुद्ध नाम होता है, क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट में शो कर रहा है वो अशुद्ध हो रहा है, इसीलिए अशुद्ध सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद शुद्ध करते हैं, शुद्ध लिखते हैं। और यहाँ पर एक लाइन खींची रहेगी, वो खींचा हुआ नहीं है, चलिए वैसे कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ से संलग्न किया जाता है, संलग्न यानी जोड़ा, वेरीफाई किए, जिस तरह आप नहीं कहते हैं कि हाँ हमने वेरीफाई कर दिया है कि हाँ अब मेरा ठीक हो जाएगा, वैसे ही इसमें वेरीफाई किया जाता है। ओके, इस तरह करके वेरीफाई करने के लिए आपको संलग्न लिखना पड़ेगा, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट इसके साथ जो ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर संलग्न लिखकर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरह यहाँ पर प्रिंसिपल या ऐसे सिग्नेचर हुए हैं वो यहाँ पर होता है, प्रार्थी ये फलान ठेकान जो चीज़ लिखना हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो आपको समझ में आए तो धन्यवाद दोस्त। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखकर भेजिएगा प्लीज़, मैं आपको अवश्य अवश्य उत्तर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्त, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।